कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हैं। और आज है नवरात्रि का लास्ट डे, तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। माता रानी का प्रसाद ही बनाना है, तो चलते हैं किचन में। पहले प्रसाद बनाएंगे, फिर जाके हम पूजा की तैयारी करेंगे। तो आ गए हम किचन में, और किचन में बनाने जा रहे हैं प्रसाद। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो रहा है। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं डाल दूंगी इसमें घी। ये गाय का घी है, और घी मेल्ट होने के बाद डाल देंगे इसमें हम सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं हम लोग। और इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो रवा हमारा अच्छे से भून रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी और चीनी, डाल के अच्छे से मैं इसे पका लूंगी। तो हमारा रेडी हो गया है यहाँ पे हलवा। थोड़ा सा और पकाएंगे इसे, लगभग हो गया है। मैं यहाँ पे गैस ऑफ करूँगी और इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लूँगी। और सेम कढ़ाई मैंने वापस से धो के चढ़ा दी, और इसमें मैं काला चना बना लूँगी प्रसाद के लिए। तो मैंने सिंपल काला चना बनाया है, इसकी रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ आप लोग को। फटाफट से मैं पूड़ियाँ भी बना लूँगी, टाइम बहुत कम था इसलिए मैं फटाफट से प्रसाद बना रही थी, इसलिए रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं अगली बार आपके साथ जरूर शेयर करूँगी अपनी रेसिपी। तो मैं पूड़ी जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। माता रानी आ चुकी हैं, अब मैं इनका पांव धो रही थी गंगा जल से। तो सबसे पहले मैं कन्या को अच्छे से पैर धो के पोंछ के हटा लूँगी, उसके बाद मैं पांव में कलर लगाऊंगी, जिसको महार बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी महार लगा रही है माता रानी को, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ आरती तिलक करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तिलक कर लूँगी माता रानी को, तो मैं तिलक करके और आरती करूँगी फिर। और साथ ही मैंने भैरव भैया को बैठा लिया है, मेरा बेटा अंश बहुत खुश था बैठ के यहाँ पे। तो कहा जाता है माता रानी के साथ भैरव भैया को भी खाना खिलाया जाता है, इसीलिए मैंने बैठा दिया है अपने बेटे को। और माता रानी के हाथ में मैं फूल भी दे दूंगी, थोड़ी सी अक्षत, और मैं मिश्री भी दूंगी। और माता रानी खाना खा रही हैं, और भैरव भैया भी बैठ के साथ में खा रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, पूजा करके बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खाना हो चुका है, मैं इनको दक्षिणा दे रही थी और पैर भी मैंने लगा। ये भैरव भैया का गिफ्ट है दक्षिणा, और माता रानी को भी देखिए अंश कितना खुश हो रहा है ना, इसको गिफ्ट मिल गया, बहुत खुश है वो। तो मैं वापस से इनके हाथ में फूल और अक्षत दूंगी, और प्रणाम करके इनसे आशीर्वाद लूंगी मैं। माता रानी आप सबके भी घर आए और खुशियाँ दें आप सबको भी। तो यहाँ पे माता रानी मुझे आशीर्वाद दे रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे पूजा करके। ये मेरी बेटी थी माता रानी की। तो मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।